अब ये जो है 16666, ये जो है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में एड सेविंग इन फ्यूचर और एडिशनल एक्सपेंडिचर इन फ्यूचर, इससे हमें क्या मिल जाएगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जिसे आप क्या कहते हो, हम क्या कहते हैं, एवरेज प्रॉफिट भी कहते हैं। अब समझिएगा ये क्या है, सेविंग इन फ्यूचर या एडिशनल एक्सपेंस इन फ्यूचर। इसका मतलब ये है कि सेविंग इन फ्यूचर का मतलब है कि आगे वाले सालों में अगर हमें कुछ और एडिशनल सेविंग होने वाली है तो उस वजह से हमारा प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज होगा। कैसे होगा, सपोज आज तक हम क्या कर रहे हैं, चार वर्कर को एम्प्लॉय करके रख रखे हैं, वो हमारे यहाँ एम्प्लॉयड है और वो हमारे यहाँ काम करते हैं, और हम पर एम्प्लॉय को हम 10,000 पर ईयर देते हैं। अब इस केस के अंदर सपोज नेक्स्ट ईयर से हम तीन एम्प्लॉय के साथ ही काम करने वाले हैं, तो 10,000 रुपये की हमारी बचत हो गई, तो ये 10,000 की हमारी बचत हो गई, मतलब 10,000 का हमारा प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो उसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि गुडविल हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, फ्यूचर पीरियड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। ऐसा इसका जस्ट ऑपोजिट अगर एडिशनल एक्सपेंस होने वाला तो उसे हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट। क्या हमने क्या गुडविल की कैलकुलेशन सीखी है क्या, नहीं, ये गुडविल की कैलकुलेशन नहीं, ये हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है एवरेज प्रॉफिट, जो आपका क्या होगा, वर्किंग नेट। और इसके अलावा एक और आपको कैलकुलेशन करनी होगी, वो क्या करनी होगी, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब टोटल कैपिटल कितनी लगी हुई है। अब इस केस के अंदर क्या है, अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग अपनी राय देते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन में सिर्फ क्लोजिंग ही है और कोई तरीका नहीं है, और कोई ओपनिंग कैलकुलेट करने का कोई तरीका नहीं है, तो आप क्या करोगे, क्लोजिंग को यूज करोगे। लेकिन अगर आपके पास क्लोजिंग भी है और आप ओपनिंग निकाल सकते हो, तो उस केस के अंदर कौन सी यूज करोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। समझिए, अगर क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों अवेलेबल है तब तो क्या करोगे, एवरेज यूज करोगे, और अगर ओपनिंग अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या करोगे, क्लोजिंग ही यूज करोगे। समझ पा रहे हो, ये तो हुआ आपका वर्किंग नोट की बात। अब हम बात करते हैं गुडविल के कैलकुलेशन की बात। ये तो आपके दो वर्किंग नोट होंगे जो आपको कैलकुलेट करने होंगे, अगर दे रखे होंगे तब तो बहुत आसान है, और अगर नहीं दे रखे तो आपको कैलकुलेट करना होगा। क्लियर है। देखिए इनके अलावा दो पॉइंट और है जो मैंने यहाँ अभी डिस्कस नहीं किए, अगर यहीं पर मैं गुडविल चैप्टर डिस्कस करता तो आप उनको जरूर डिस्कस करता, जो कौन से हैं, चेंज इन पॉलिसी, अगर पॉलिसी में चेंज होता है तो, या फिर चेंज इन टैक्स रेट, और अगर टैक्स रेट में चेंज होता है तो इन दो को भी एडजस्ट किया जाता है। कैसे किया जाता है, सपोज देख लीजिए इसको नॉलेज पर्पज के हिसाब से, SLM से सपोज हम कहाँ गए, WDA पे गए, तो उस केस में क्या होगा, सपोज 2016, 2017, 2018, हम 2018 के अंदर हम क्या हुए, SLM से WDV में गए, तो 2018 में किससे लेस हुआ होगा, WDV से लेस हुआ होगा, यहाँ क्या है, SLM लेस हुआ, और यहाँ क्या हुआ, SLM लेस हुआ। तो हमें क्या करना होगा, सब में जो अभी करंट वाला है उस अकाउंटिंग पॉलिसी को सब में एडजस्ट करना होगा, मतलब यहाँ SLM है तो यहाँ भी किससे लेस होना चाहिए था, WDV से, तो SLM नहीं होना चाहिए था तो हम SLM को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ताकि SLM से SLM खत्म हो जाएगा, और फिर हम क्या कर देंगे, WDV के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन बनता है वो क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। वैसा वैसा चेंज इन टैक्स रेट, सपोज यहाँ 30% थी, यहाँ 40% है, और यहाँ 35%, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में भी 35%, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ कितने से लेस हुआ, 40% से, यहाँ कितना हुआ, 30% से, और यहाँ कितने से हुआ, 35%, क्या कर देंगे, ऐड 40% लेस 35% के हिसाब से, वापस क्या कर देंगे, ऐड 30% और लेस किसके हिसाब से कर देंगे, 35%। ये यहाँ डिस्कस नहीं किए, अगर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नाम का चैप्टर डिस्कस करते तो जरूर करते, क्योंकि वहाँ इस पर ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें इतना गुडविल पे नहीं आएगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब समझिएगा ध्यान से, हमें किसी ने बुलाया कि भाई साहब बताइए हमारे बिजनेस की गुडविल कितनी, हम उससे पहला क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि भाई साहब आपका एवरेज प्रॉफिट कितना, उन्होंने पूरा कैलकुलेट किया वर्किंग नोट में और उन्होंने कहा कि एवरेज प्रॉफिट कितना हमारा, मान लें 50,000, कितना है,
150,000। तो हमारे पास अलग अलग मेथड है। सबसे पहले तो है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो सबसे बेकार माना जाता है। क्यों? हमने कहा कि आप कितना कमाते हो एक साल में 150,000। हमने उनसे पूछा कि आपके नाम का इम्पैक्ट कितने साल तक रहेगा। उन्होंने पूछा कैसे, हमने कहा कि अगर आज आप बिजनेस है जो मैनेजमेंट आप छोड़ दो और आपका नाम हम यूज करना शुरू करें तो आपके नाम पे कितने साल तक कस्टमर आते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी इंडस्ट्री में नॉर्मली 3 साल तक तो आते रहेंगे, उसके बाद में क्या होगा, अगर आपका व्यवहार अच्छा होगा तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो वो आपको छोड़ देंगे। तो हमने क्या कहा कि भाई आपके नाम की वजह से हमें कितने का प्रॉफिट होगा, 150,000 एक साल का, तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 450,000, और ये हमारी क्या हो जाएगी, गुडविल। ये बहुत आसान तरीका था, लेकिन चाहे स्टूडेंट की प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, वो मेथड है जो ज़्यादा चलते नहीं है। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, समझ पा रहे हो कि भाई हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना और ये कितने साल तक हम इसका इम्पैक्ट है जो रहेगा। अब उसके बाद में एक दूसरा मेथड है, लोगों ने कहा कि भाई समझिएगा किस तरीके से उसको क्रिटिसाइज किया गया, ये भी समझिएगा। फिर उसके बाद में आया सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें क्या कहा, हमने कहा कि भाई साहब आप कितना कमाते हो, हमने कहा 150,000 कमाते हैं, 3 साल हमारे नाम से कमाए, 450,000 गुडविल हो गए। उन्होंने कहा रुको, आपका प्रॉफिट कितना है, हमने कहा एवरेज प्रॉफिट हमारा है साहब 150,000। उन्होंने कहा ओके बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा कि कैपिटल कितनी लगा रखी है, हमने कहा साहब हमने कैपिटल लगा रखी है 10,00,000 रुपये। उन्होंने पूछा रेट ऑफ रिटर्न कितना आपकी इंडस्ट्री का, हमने कहा साहब क्या कहना चाहते हो कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर अगर सपोज कोई 1,00,000 रुपये लगा के बिजनेस शुरू करता है तो उसको कितना रिटर्न मिलता है साल का। हमने कहा साहब 10% तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, मतलब 10% तो नॉर्मली हमारी इंडस्ट्री में रिटर्न मिलता ही मिलता है। तो अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि भाई आप कितना कमा रहे हो, 150,000, तो इस 150,000 में से कुछ पैसा तो आपको कमाना चाहिए था, उसमें गुडविल का रोल नहीं है। अगर आपने 10,00,000 लगाए हैं, 10,00,000 आपने कैपिटल लगाई है, 10% आपके रेट ऑफ रिटर्न है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो 10,00,000 पे 10% के हिसाब से 1,00,000 रुपये तो आपका क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट है। नॉर्मल प्रॉफिट कितने, 1,00,000 है, मतलब 1,00,000 रुपये तो अगर आप कमा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी गुडविल है। 1,00,000 से अगर कम कमा रहे हो मतलब आपके नाम है जो खराब हो रखा है। अगर 1,00,000 तक कमा रहे हो मतलब आपका नाम ना हम अच्छे में है ना बुरे में है। अगर यहाँ 1,00,000 से ज़्यादा कमा रहे हो तो उस केस के अंदर आपका क्या है, नाम अच्छे में, और यहाँ पर आपका क्या होगा, गुडविल होगा। तो ये क्या कहता है कि आपका एवरेज प्रॉफिट क्या है उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट लेस कर दो तो ये आपका क्या होगा, एक्सेस जो प्रॉफिट होगा ये क्या कहला जाएगा, सुपर प्रॉफिट। ये क्या कहता है, ये आपने अपने नाम की वजह से कमाया, ये आपने अपने नाम की वजह से कमाया। हमने कहा कैसे, उन्होंने कहा आपने 1,50,000 कमाए, जबकि यहीं पर अगर कोई दूसरा होता तो वो कितना कमाता, 10,00,000 पे 10% के हिसाब से 1,00,000। आपने 1,50,000 कमाया, ये 50,000 एक्स्ट्रा जो है वो अर्न क्यों किया, क्योंकि आपका गुडविल था। और ये सुपर प्रॉफिट को क्या करो, नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या हो जाएगी, गुडविल मिल जाएगी। तो यहाँ पर गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, समझ पा रहे बात। तो लोगों ने कहा कि हाँ भाई ये बात सही कह रहा है, एवरेज प्रॉफिट वाला बेवकूफी। एवरेज प्रॉफिट वाला क्या कहता है, पूरा का पूरा पैसा है जो किसकी वजह से कमा रहे हो, गुडविल की वजह से। जबकि सुपर प्रॉफिट क्या कहता है, कुछ पैसा तो हम किसकी वजह से कमा रहे, हमारे नाम की वजह से, और कुछ पैसा हमने बिजनेस में पैसा लगाया उसकी वजह से भी तो कमा रहे भाई। 10,00,000 यहाँ नहीं लगा के बैंक में भी जमा करवाते, 10% रिटर्न मिल रहा तो 1,00,000 तो मिलते, समझ पा रहे हो। तो इसमें हमारे गुडविल का रोल नहीं है, ये इंडस्ट्री वाइज देखा जाता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, समझ पा रहे हो। तो ये हो गया गुडविल के सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये हो गए आपके दो मेथड। अब इसके बाद में थर्ड मेथड के बारे में बात करते हैं। थर्ड मेथड जो है वो क्या है, थर्ड एक और आया कैपिटलाइजेशन मेथड। ये आया, इसने पूछा कि भाई साहब बताइए एवरेज प्रॉफिट कितना। हमने कहा भाई साहब दो तो पूछ चुके हैं, आप भी पूछ लीजिए, एवरेज प्रॉफिट है 1,50,000। उन्होंने पूछा कैपिटल कितनी लगाई साहब, हमने कहा कैपिटल लगाई हमने 10,00,000। उन्होंने कहा आपकी इंडस्ट्री में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना, नॉर्मली कितना कमाते हैं, हमने कहा नॉर्मली हम कमाते हैं 10%। अब यहाँ समझिए,
बात इसने भी वैसे ही की, लेकिन इसने थोड़ा सा अलग तरीके से था। इसने कहा कि 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब अगर 100 रुपये आप लगाते हो तो आपको कितना कमाना चाहिए, 10 रुपये। आप कितना कमा रहे हो, 1,50,000। तो आपको पैसे कितने लगाने चाहिए थे, कैपिटल लगाने कितने चाहिए थे? तो हमने कहा कि भाई 1,50,000 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100। हमने कहा कितना लगाना चाहिए, 15 लाख। उन्होंने कहा कि 1,50,000 कमाने के लिए आपको कैपिटल कितने की लगानी चाहिए थी, 15 लाख। लेकिन आप क्या कर रहे हो, 10 लाख की कैपिटल लगा के भी ये काम कर पा रहे हो। क्यों कर पा रहे हो ऐसा? क्योंकि आपने बाकी का क्या कर लिया है, गुडविल क्रिएट कर दिया। बाकी का क्या है, 5 लाख की आपके कैपिटल है, लेकिन वो किस फॉर्मेट में, गुडविल के फॉर्मेट। मतलब क्या है, ये कैसा कहता है कि कैपिटल कितनी होनी चाहिए, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं कि एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR और माइनस क्या कर दो, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आपको क्या मिल जाएगी, गुडविल। तो आपको क्या मिल जाएगी, गुडविल। समझ पा रहे हो कैसे? एक बार वापस देख लीजिए कि 1,50,000 कमाते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, मतलब 100 पे कितना कमाते हैं, 10 कमाते हैं। तो 10 कमाने के लिए आपको कितने लगाने होंगे, 100 लगाने होंगे। तो 1,50,000 करने के लिए आपको कितने लगाने होंगे, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 10 × 100 कितना, 15 लाख। तो गुडविल कितना हो जाएगा, गुडविल कितना होगा कि भाई 15 लाख लगाने चाहिए थे 1,50,000 अर्न करने के लिए, लेकिन हमने लगाए कितने, 10 लाख। तो बाकी के 5 लाख हमें लगाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि हमने बाकी के 5 लाख हमने क्या कर दिए, गुडविल क्रिएट कर दिए। समझ पा रहे हो, यहाँ तक आप लिख दीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा एक और आपका मेथड है, जो ये कौन सा है, एन्यूटी मेथड। ये एन्यूटी मेथड क्या कहता है कि भाई आपका सुपर प्रॉफिट कितना है मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर। ये क्या है प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर, ये सुपर प्रॉफिट कब होगा, फ्यूचर में होगा, उसकी क्या करो, प्रेजेंट वैल्यू है जो कैलकुलेट करो, और ये क्या हो जाएगा, एन्यूटी मेथड हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी नाम का एक चैप्टर जो अपलोड कर रखा है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ नहीं, हर जगह काम आता है, यहाँ भी आएगा, आपकी FM पूरी की पूरी टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। यह तो हो गया गुडविल की कैलकुलेशन, देख लीजिए वापस एक बार कि एवरेज प्रॉफिट, कि हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना और ये कितने साल तक कमाएंगे, ये हो जाएगा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, गुडविल हो जाएगी। सेकंड हम किसके बारे में बात करते हैं, सेकंड हमारा होता है सुपर प्रॉफिट। ये क्या कहता है कि हम कितना अर्न कर रहे हैं और कितना अर्न करना चाहिए, जितना अर्न करना चाहिए उससे कितना एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। और ये कितने साल तक अर्न करेंगे, ये क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से गुडविल। सुपर प्रॉफिट मेथड प्रॉफिट के बारे में बात करता है, कैपिटलाइजेशन कैपिटल के बारे में बात करता है कि भाई कैपिटल कितनी है, कितनी होनी चाहिए, जितनी होनी चाहिए उससे कितनी कम है, वो अमाउंट है जो क्या है हमारा, गुडविल है। सपोज होनी चाहिए 15 लाख, लेकिन हम 10 लाख में वो काम चला रहे हैं, मतलब हमने 5 लाख के क्या कर लिए, गुडविल क्रिएट कर लिया। और एन्यूटी क्या करता है, उनकी प्रेजेंट वैल्यू एन्यूट फैक्टर से मल्टीप्लाई करता है। अब हम बात करते हैं इसकी अकाउंटिंग के बारे में। देखिए इन वीडियो का पर्पज है कि अगर आपकी क्लास हो रखी है और अगर आप के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं तो फिर आपके लिए ये यूजफुल है। आप इनको देख के एक बार चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं, या फिर आपका किसी वजह से अटेम्प्ट रह जाता है तो उस केस में भी आप इनको देख के घर पे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनके, पूरा ही रफ कर देते हैं। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग। देखिए बहुत आसान है इसकी अकाउंटिंग है, ध्यान से समझिएगा।
सपोज ये दो पार्टनर है ए और बी, उन्होंने कहा कि भाई कैपिटल कितने कितने लगा रखी। ए ने कहा मैंने लगा रखी 1,50,000, आपने भी लगा रखी 1,50,000। इन्होंने कहा कि गुडविल कितनी है हम लोगों की, तो इन्होंने कहा कि भाई गुडविल तो हम बुक के अंदर लिख नहीं सकते। इन्होंने कहा बुक के अंदर लिखे नहीं लिखे वो बात छोड़ो, है कितनी, हमने कहा कि भाई कैलकुलेशन करते हैं तो 60,000 आई। उन्होंने कहा हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा है, 1:1, कि भाई जब भी गुडविल बटेगी तो मेरे हिस्से में कितना आएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगी 30,000 मेरे हिस्से में आएगा, बी ने कहा 30,000 मेरे हिस्से में आएगा, मतलब टोटल 1,80,000 किसके पास रहेंगे, ए के पास आएंगे, और 1,80,000 किसके पास आएंगे, बी के पास आएंगे। दोनों ने कहा कि बहुत बढ़िया सिचुएशन में, अच्छा है पीछे वाले साल में शुरू किया और अच्छी सिचुएशन पहुंच गए, 1,80,000 की प्रॉपर्टी बन रही। अब क्या हुआ, सी जो है वो पास में सुन रहा था, सी ने कहा कि भाई साहब मुझे भी क्या कर लो, अपनी फॉर्म में पार्टनर बना लो। ए और बी ने कहा कि ठीक है बना लेते हैं, कुछ एडिशनल फंड आएगा तो हम बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। अब यहाँ पर समझिएगा, कैपिटल उससे उसको हमने क्या कहा कि भाई कैपिटल ले आओ। सी ने पूछा कि आपने कितने लगा रखे, हमने कहा कि 150, 150, तो इससे कितने मंगवा लिए, 150। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कर लिया, 1:1:1। गुडविल तो लिख रखी थी नहीं बुक के अंदर, इसीलिए गुडविल हमने मंगवाई क्या, नहीं, हमने ये 1,50,000 डिस्ट्रीब्यूट किए। सी ने कहा ए और बी को कि भाई साहब कल तो एक गुडविल नाम का आइटम भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, वो भी डिस्ट्रीब्यूट करो। तो अब इन्होंने कहा गुडविल तो बुक में लिखा नहीं, सी ने कहा कोई बात नहीं, नहीं लिखा है तो नहीं लिखा है, लेकिन जब फॉर्म ख़त्म होगी तब तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ए और बी ने कहा हाँ ख़त्म होगा तब तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ए और बी ने, तो सी ने कहा कि उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ टोटल कितना बनता है। तो ए ने कहा कि तीनों हैं को कितना मिलेगा, 1:1:1 के हिसाब से कितना मिलेगा, 20,000, 20,000, 20,000। अब इसकी टोटल वेल्थ कितनी है, 170, इसकी कितनी है, 170, इसकी कितनी, 170। और सी है जो क्या किया, ए और बी पे हंसा कि बेवकूफ़ मैंने 50 दिए और देखो मेरी वेल्थ कितनी, 170। ए और बी बेचारे दुखी हो गए, 180 हमारी वेल्थ थी, 170 हो गए और हमने कोई लॉस भी नहीं किया, फिर भी हमारे 180 से 170 हो गए। फिर इनको पता चला कि गुडविल में कितने थे, 30,000 थे, कितने हो गए, 20,000। लेकिन क्योंकि गुडविल बुक के अंदर लिखा नहीं तो कोई एडजस्टमेंट कर सकते हैं क्या, नहीं, समझ पा रहे हो। अब ए और बी दुखी हो गए, फिर उन्होंने सोचा कि भाई गुडविल नहीं लिख सकते, कोई बात नहीं नहीं लिख सकते, लेकिन कैपिटल अकाउंट तो लिखा है, उन्होंने कहा हाँ लिखा है। तो इन्होंने कहा कि जितना गुडविल में कमी आई उतना कैपिटल क्या कर दे, बढ़ा दे, तो मतलब 10,000 गुडविल कम हुई है, 10,000 कैपिटल बढ़ा दो, 10,000 गुडविल कम हुई है, यहाँ 10,000 क्या कर दो, कैपिटल बढ़ा दो। इसका गुडविल में हिस्सा कितना था, जीरो था, अब कितना हो गया, 20,000 से इंक्रीज हुआ, तो क्या कर दो इसका, 20,000 से कैपिटल है जो कम कर दो। सी का 20,000 का कैपिटल अगर कम करना है तो हमें क्या एंट्री करनी पड़ेगी, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे कितने से, 20,000 टू एज कैपिटल, 10,000 टू बीज कैपिटल कितने से, 10,000, समझ पा रहे हो। अब ये करने के बाद में अगर ये अकाउंटिंग कर लेते हैं, अब कैपिटल कितनी होगी, 150 प्लस 10,000 कितना हो गया, 160, हाउ मच, 130। गुडविल जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैसे करेंगे, 60,000 तीनों में कैसा इक्वल, कितना, 20,000, 20,000 और 20,000, कितना हो गया ये, 1,80,180 150। क्या किसी के साथ अन्याय हुआ है क्या, नहीं, ए 180 का था, ए 180 का है, क्या इसका कम होना चाहिए, नहीं, ना कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस है तो क्यों कम होगा। बी 180 से 180, सी 150 दिए उसने, 150 के उसके टोटल मिल गई, 130 को उसे कैपिटल मिल गई, 20 को उसे क्या मिल गई, गुडविल मिल गई। मतलब आपको क्या करना है, सीधा गुडविल इन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, गुडविल के केस में क्या करोगे, पहले लिख दीजिए गुडविल इन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो,
और लिख दीजिए इसमें से, लेस कर दीजिए, ये मैं रटने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप एक बार समझने के लिए लिख दीजिए, फिर आपको इसको एक बार वापस देखोगे तो आपको और समझ आ जाएगा। न्यू पार्टनर न्यू रेशियो मतलब कितना, पहले कितना था 30,000 नील, यहाँ कितना हो रहा है फिर 20,000 और 20,000 10,000 10,000 20,000। जिनका पॉजिटिव आया उनको क्या करना है, इनके कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करना है, इसके कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करना है, इसके कैपिटल अकाउंट को डिक्रीज करना है। इंक्रीज करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट क्रेडिट और डेबिट। सर ये तो बात की आपने एडमिशन की, रिटायरमेंट पे क्या होगा गुडविल का, सेम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, न्यू पार्टनर न्यू रेशियो। मतलब क्या हुआ, अगर सपोज ए बी और सी में से वापस सी है जो बी है जो चला जाता है, तो उस केस में क्या होगा, ए बी सी अभी कितना है 20,000 20,000 20,000, फिर बी चला जाता है तो फिर क्या होगा, ए को कितना मिलेगा 30,000 और सी को कितना मिलेगा 30,000, बी जा रहा है तो इसको कुछ भी नहीं, तो ये -10,000 ये 20,000 और ये -10,000। तो ये क्या करेंगे, टू बीज कैपिटल पॉजिटिव वाले और ए और बी, इनको कम करने के लिए 10,000 10,000 से कम करके 20,000 इसको दे। सर रिटायरमेंट पे ये होगा तो क्या डेथ पे भी ये होगा, हाँ डेथ पे भी ये होगा। सर क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तब भी होगा क्या, हाँ तब भी इसका क्या करना होगा, एडजस्टमेंट करना होगा। क्यों, क्योंकि गुडविल अभी तो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, गुडविल कब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जब हम फॉर्म ख़त्म करेंगे तब, या सेल करेंगे उस वक्त जब पैसा रियलाइज होगा उससे तब, समझ पा रहे हो। तो क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो होगा क्या, हाँ क्योंकि उससे इनडायरेक्टली क्या होगा, गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो जाएगा। सर वहाँ कैसे करेंगे, सेम ओल्ड रेशियो में न्यू रेशियो में, अगर किसी का गुडविल में हिस्सा कम हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट बढ़ा दीजिए, अगर गुडविल में हिस्सा बढ़ रहा है तो कैपिटल अकाउंट कम कर दीजिए। मतलब गुडविल का इम्पैक्ट है जो किससे दे रहे हो, कैपिटल अकाउंट से दे रहे हो। क्लियर है ये, समझ पा रहे हो। अब हम गुडविल के बारे में बात कर चुके हैं, समझ पा रहे हो, गुडविल के बारे में हमने काफ़ी कुछ बात की। अब एक और क्वेश्चन आता है, सर गुडविल अगर हमारी बुक के अंदर मतलब बैलेंस शीट के अंदर पहले से लिख रखी है, उसका क्या किया जाए, क्या करना है उसका, सीधा एक काम करो राइट ऑफ कर दो। किस में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, झंझट खत्म पुरानी, समझ पा रहे हो। अब गुडविल कितने के पे वैल्यूएशन की, उसके हिसाब से क्या कर दो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, न्यू पार्टनर न्यू रेशियो, समझ पा रहे हो। अगर सपोज बुक के अंदर 10,000 लिख रखी है गुडविल इस केस के अंदर, समझ पा रहे हो, और फिर गुडविल की वैल्यूएशन है 60,000, तो क्या करो, पहले तो 10,000 के गुडविल को क्या कर दो, ए बी ओल्ड पार्टनर ए और बी है, पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5,000 5,000 टू गुडविल 10,000, ये कर दिया, ये हटा दिया। अब ये 10,000 है क्या, नहीं ये खत्म हो गया, 60,000 के कैसे हो गए, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, न्यू पार्टनर न्यू रेशियो। तो अगर पुरानी कुछ भी गुडविल बुक के अंदर लिखी है तो उसको क्या कर दो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और फिर जो वैल्यूएशन हुआ उसका किस तरीके से करोगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, न्यू पार्टनर न्यू रेशियो, उनके जो भी पॉजिटिव नेगेटिव उसके हिसाब से क्या कर दो, गुडविल का वैल्यूएशन है जो कर लो, उसकी अकाउंटिंग है जो कर लो। ये आपका पूरा गुडविल का कॉन्सेप्ट, होपफुली क्लियर है ये यहाँ तक। ओके थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे रिजर्व जॉइंट डाई पॉलिसी और रिवैल्यूएशन ऑफ असेट। ओके थैंक्स।